कांग्रेस प्रत्याशी हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया पर अवैध खनन व रेत चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले महितपुर थाने के एसएचओ परमिंदर सिंह बाजवा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बाजवा को हिरासत में लिए जाने के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए और इस पर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि बाजवा मानसिक तौर से बीमार चल रहे हैं और उनका इलाज करवाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। सर ये है कि मैं मौके की सरकार दे कैंडिडेट दे इलीगल माइनिंग तो चोरी का पर्चा दिता इलेक्शन कमीशन दे ऑर्डर ना और कोई वजह नहीं कोई पर्सन तो जल्दी हो गए कोई नहीं कोई नहीं ऐसे एसएचओ फर्ज बनता सी मैं निभाया कोई भी हुंदा ए हुंदे ओ हुंदे कोई मिलदा ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੂ ਨੇ ਉੱਦਣ ਦਾ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ है उसमें बड़े ऑफिसर हैं SHO ने की पर जो SHO उसके बाद में जो मीडिया के सामने आए दो दो रिवॉल्वर लेके सामने आए और बहुत ही शब्दावली जो उनकी वो बहुत बद्दी शब्दावली चाहे मुख्यमंत्री जी के हो चाहे और MLAs के लिए हो और दो पिस्टल निकाल के एक रिवॉल्वर सर्विस पिस्टल भी निकाल रहे और दूसरा रिवॉल्वर लाइसेंसी बॉल में ये डर था भी क्या पता वो क्या करने जा रहे हैं क्या वो खुद को गोली मार लें किसी को गोली मार लें ये बड़ा एक बहुत बड़ा डर था जिसको क्योंकि गवर्नमेंट है वो एक पुलिस के मुलाजिम है तो इसलिए शांति बनाए रखने के लिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने मीडिया पे उनको देखा है उससे पता चलता था वो कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस है जो उनका वो स्थिर नहीं है तो जितनी देर वो स्थिर नहीं होते जितनी देर उनका कोई इलाज नहीं हो जाता वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहते तो एक बहुत बड़ा हर जगह महकमे में ये डर था और बाहर भी बहुत बड़ा भय था क्योंकि बच्चे जो है वो भी उनके साथ छोटे बच्चे थे तो भाई भी उनके बाहर से कनाडा से पहुँच गए थे तो सारे उनसे सलाह मशवरा करके किसी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए वो काफ़ी पिछले लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं और डिप्रेशन में चल रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं इसलिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था।